रंगोली बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक रफ़ स्केच बनाना होता है, तो मैं यहाँ न्यूज़पेपर का यूज़ करके इस पर एक रफ़ स्केच ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो कुछ मैं यहाँ पत्ती की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इसे ड्रॉ करने के बाद अच्छे से इसको कट कर लेना है। तो ये कुछ इस शेप में है। अब मैंने यहाँ मिठाई के बॉक्स ले लिए हैं, और मिठाई के बॉक्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें जो साइड में एजेस दिखती हैं वो रफ एजेस नहीं दिखती हैं इसमें मिठाई के बॉक्स में, तो बहुत ही ईजिली काम हो जाता है। इसको यहाँ मैंने अब ड्रॉ कर लिया है और इसकी मैंने 5 पत्तियाँ कट कर ली हैं। एंड कट करने के बाद अब मुझे और एक स्केच बनाना था, तो उसके लिए भी मैं यहाँ न्यूज़पेपर का यूज़ कर रही हूँ। एंड इस तरीके से आप पहले अलग अलग शेप जो भी आपको रंगोली के लिए यूज़ करना हो शेप्स ड्रॉ कर लेना है और फिर किसी कार्डबोर्ड पे कट करना है। तो इसी तरीके से आप भी अब कट कर सकते हैं। कट करने के बाद ये मैंने पत्तियाँ भी इसकी अच्छे से कट कर ली हैं, और अब मुझे इस बीच में, इस पत्तियों के बीच में एक छोटी पत्ती इस तरीके का डिज़ाइन बनाना था तो मैंने बना लिया। अब हम यूज़ कर रहे हैं मोल्डेड क्ले का। मोल्डेड क्ले का मैंने एक डो बना के रेडी कर लिया। अब इसकी एक मैं डोरी तैयार कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने ये एक डोरी कंप्लीट कर ली है, और इसको पत्ती के साइड साइड में इस तरीके से फेविकॉल की हेल्प से लगाना है। तो हमें पूरे पत्तियों पे, पांचों पत्तियों पे अच्छे से क्लेवर्क कर देना है, और इस तरीके से ये क्लेवर्क करने के बाद दिखाई देगा। यहाँ मैं इस पर कुछ पैटर्न बना रही हूँ, तो मैंने पैटर्न के लिए ऐसी नॉर्मल सा टूल यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न किसी भी टूल से बना सकते हैं। इस पर फिर मैं वाइट एक्रेलिक पेंट से पूरे में अच्छे से पेंट कर दे रही हूँ। आप इसकी तरह जैसो भी यूज़ कर सकते हैं, या अभी सबके घरों में पेंट वगैरह होते हैं तो आप डिस्टेम्पर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो वॉल पे पेंट होता है उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सारे अपने जितने भी मैंने कटिंग किए थे उन सभी पे मैंने वाइट कलर से अच्छे से पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मुझे बीच वाला शेप चाहिए था, तो बीच वाला शेप मुझे कट करने का समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने सारी पत्तियाँ कंप्लीट करके उसे अच्छे से एक कार्डबोर्ड पे रख के, और फिर मैंने उसकी एग्जैक्ट शेप ड्रॉ की है। तो ऐसे तो ये पहले लग रहा था कि सर्कल शेप होगा, तो लेकिन सर्कल शेप है नहीं, ये कुछ फूल टाइप का बन गया है। तो इसीलिए मैंने एग्जैक्ट साइज लेने के लिए पूरे पहले कंप्लीट कर लिया है, और फिर मैंने इसका स्केच ड्रॉ किया है, और फिर मैंने इसको कट करके इस पर भी मैंने मोल्डेड क्ले से पूरा क्लेवर्क कर लिया है। तो यहाँ मेरा अब इस पर हमें स्टोन्स, इस तरीके के स्टोन्स लगाने हैं। ये स्टोन्स जब घर बनते हैं तो उसमें यूज़ किए जाते हैं, तो मैं इन्हीं स्टोन्स का यूज़ करके अपनी रंगोली को कम्प्लीट करने वाली हूँ। इसी तरीके से अगर आपके पास ये स्टोन्स ना हो तो आप इस तरीके के मार्केट से भी परचेज़ करके लगा सकते हैं। तो मार्केट में सभी कलर के होते हैं स्टोन्स, वो बस डायरेक्ट परचेज़ करो और इसको स्टिक कर सकते हैं। तो मैं परचेज़ करना चाहती नहीं थी क्योंकि मैं घर पे ही इसे जुगाड़ करके बनाना चाहती थी, तो मेरे पास यही इसमें कर रही हूँ। और इसको काफ़ी एक साइज़ ढूँढ ढूँढ के लगाना था, तो काफ़ी मेहनत लगी है इसमें लगाने में। कुछ मेरे ट्यूशन वाले बच्चों ने इसमें हेल्प की है, कुछ मैंने इसमें कंप्लीट किया है। तो इसी तरीके से एक एक स्टोन अच्छे से इसमें स्टिक करते जाना है, और मैं यहाँ फेविकॉल से ही इन स्टोन्स को स्टिक कर रही हूँ। अगर आपके पास भी इस तरीके के स्टोन्स घर पे हों तो आप उनका यूज़ करके भी इस तरीके की रंगोली बना सकते हैं, और ये रंगोली कभी ख़राब नहीं होती है, और ये काफ़ी टाइम तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी कम टाइम में आप अपनी सुंदर सी रंगोली कंप्लीट कर सकते हैं।
ये मैंने देखो कंप्लीट कर लिया है और ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। मैंने इसे फेविकॉल की हेल्प से ही इसको सबको स्टिक किया है और ये अभी बस मैंने यहाँ पे इनको लगाया है, अभी कलर नहीं भरा है, लेकिन फिर भी ये काफी सुंदर लग रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपनी पांचों पत्तियां कंप्लीट कर ली हैं। अब इस पे मुझे वाइट एक्रेलिक पेंट से मैंने इस पे पहले पेंट कर लिया है और उसके बाद इस पे रेड कलर से इसको अच्छे से पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो रेड कलर ऐसे हो नहीं रहा था तो मैंने काफ़ी इसमें पानी मिला लिया था और अच्छे से इसमें ऐसे ब्रश एक एक अंदर डाल के अच्छे से इस सारे स्टोन्स को पेंट कर लिया है। फिर बड़े वाले ब्रश से हो नहीं रहा था तो फिर मैंने उससे जो छोटा ब्रश था उससे उसका यूज़ करके इसमें अच्छे से इसको एक एक पेंट कर लिया है अच्छे से सारे स्टोन्स। एंड फिर के बीच में मैं यहाँ येलो कलर से पेंट कर रही हूँ। आप या तो इसकी जगह आप कल रंगोली वाले कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर एक वॉर्निश का कोट अप्लाई कर देना है। मेरे पास वॉर्निश है नहीं तो मैं यहाँ वुडन पॉलिश का यूज़ कर रही हूँ। वुडन पॉलिश से भी एक अलग इसमें शाइनिंग आ जाएगी और काफ़ी टाइम तक मैं इस रंगोली को यूज़ कर सकूंगी। और दिवाली वाले दिन वैसे ही टाइम की बहुत कमी होती है जिस वजह से हम अपनी रंगोली को अच्छे से बना नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं इसे पहले ही कंप्लीट करके रख लूं और दिवाली वाले दिन इसको डेकोरेट के लिए यूज़ करूँ।